पश्चिम में कहते हैं कि दहर जख पुल खुंदू ना खुपली मजी खुपी खबर खुपी खबर देखे। अस्सलामुअलैकुम खवातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। छो तकला बजा ला। अस्सलामुअलैकुम। तो गले का तबीयत से बराबर सब खरे। अच्छा, जब पेशावर आएंगे सबसे पहले आपने ट्राई करनी है क्या? तो ये भी यादगार लस्सी। चलिए मेहरबानी। पदे कबाब की मंग मारा मसाले गड़ो केमा सुटा टमाटर प्याज अदरक मिले तो अच्छा भाई, तो हम इस वक्त मौजूद है कहाँ पे? अच्छा, राइट नाउ वी आर एट द फूड स्ट्रीट। अच्छा, तो हम वो रेयर स्पीशीज है ना जो गर्मी इस जून की गर्मी में क्या पी रहे हैं, कहवा पी रहे हैं, क्या बात है। सेठी हाउस, ये सेठी मोहल्ला है, सेठी हाउस, और यहाँ पे उस साइड पे सेठी हवेली है। और सेठी हवेली की हिस्ट्री क्या है जानते हैं अपनी समझ की जबान। ये सेठी हवेली, और सेठी हवेली तो उधर है लेकिन ये सेठी हाउस है, और ये बनाया था करीम बख्श सेठी ने तकरीबन 1884 समथिंग 1885 में बनाया था। 33 मरला थे और जो सेठी ख़ानदान था वो रहता था पंजाब में, और इसका आर्किटेक्चर बड़ा बेस्ट है।
वीडियो की इजाज़त ही नहीं तो वीडियो की इजाज़त नहीं मिली हमें अंदर, तो हम बाहर बैठ के यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, हवाई हवाई शूट कर रहे हैं, लेकिन अंदर हम गए, हमने विजिट किया है, लेकिन ये कि वीडियो अलाउ नहीं थी, तो ये कि काफ़ी अच्छा वेल बिल्ड और लकड़ियों से बनाए गए मोस्टली, तो काफ़ी जो है रिनोवेशन ज़्यादा नहीं की, रॉ फॉर्म में हाँ सब कुछ रॉ फॉर्म में, वो जो सीढ़ी हवेली है वो ज़रा, ये लोग कह रहे हैं कि वो ज़रा मतलब पॉलिश्ड है और ये ज़रा अनपॉलिश्ड है, लेकिन ये है कि फिर भी काफ़ी वेल बिल्ड। उस पुल की ये असल में ये सीढ़ी जो है मोहल्ला है, तो ये सारे घर जो है ये कंबाइंड है, तो वो कम्युनिकेशन के लिए या आने जाने के लिए ये पुल इस्तेमाल करते थे अपने सिटी हाउस से दूसरे घर जाने के लिए, और खुफिया रास्ता ये इस्तेमाल। तो इस जगह की हिस्ट्री क्या है जानते हैं अब्दुल समद की ज़बान। ये जितने नए डिज़ाइन आजकल आए हैं बहुत मशहूर के प्लिए कप्तान थे और बहुत बड़े बड़े सियासतदान और फनकार सारे ये छपके पहनते हैं। इसके अलावा इस बाजार में खुशी पंजाब नम खलक राजी अमदल तमंगना सदागानी के बहुत से लमड़ी पर्ची लमड़ी और माशाल्लाह तमंगे खब आजाद देते गिर किया बाजार। यहाँ पर भट्टी वगैरह जो पुराने दांतरी इधर बनती थी, देशी बनती थी, और किस्म का लोहे का हर किस्म का सामान यहाँ पर बनता था।